साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में हमेशा कुछ न कुछ खलबली ही मची रहती है, खासतौर से 14 जून 2020 के बाद से, जब से एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की खटिया खड़ी की है, तब से ही महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया हुआ है। अब समीर वानखेड़े के जाल में महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता भी फंस रहे हैं। आर्यन खान की गिरफ्तारी के वक्त नवाब मलिक का बड़बोलापन खुद उनके लिए मुसीबत बन गया है। पुराने केस खुले तो मलिक के दोनों हाथ कीचड़ में सने मिले। दूसरों पर कीचड़ उछालने वाले मलिक अब खुद जेल की हवा खा रहे हैं। खुद तो फंसे ही फंसे, साथ ही साथ मलिक के बेटे की भी मुसीबत बढ़ गई है। जी हाँ, ईडी की नई प्लानिंग में मलिक का बेटा फराज मलिक शामिल हो चुका है। ईडी अब फराज मलिक के कंधे पर बंदूक रखकर नवाब मलिक का एनकाउंटर करने की तैयारी में है। ईडी के इस नए एक्शन के बाद मलिक के पूरे परिवार में तो भूचाल आ ही गया, साथ ही साथ महाराष्ट्र की राजनीति में भी घमासान मच गया है। तो क्या है ईडी की नई प्लानिंग? मलिक के बेटे फराज को कैसे किया जाएगा भगोड़ा घोषित? बेटे पर आती आफत को देख क्या चुप्पी तोड़ेंगे नवाब मलिक? क्या सच बोलेंगे नवाब मलिक? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक ईडी के साथ आंख मिचोली का खेल खेल रहे हैं। 23 फरवरी को जब से मलिक की गिरफ्तारी हुई, तब से ही माना जा रहा था कि मलिक के बेटे फराज को भी ईडी तलब कर सकती है। हालांकि पहले ईडी की कोशिश थी कि नवाब मलिक का ही मुंह खुलवाया जाए और सच को सामने लाया जाए, मगर पहले तो ईडी की हिरासत में मलिक की तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद सामने आया कि मलिक ने ईडी की पूछताछ में किसी भी तरह का सपोर्ट ही नहीं किया। ईडी अधिकारियों के किसी भी सवाल का जवाब नवाब मलिक ने दिया ही नहीं, जिसके बाद कोर्ट ने मलिक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब 7 मार्च से लगातार मलिक मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं और पीएमएलए कोर्ट के बाद मुंबई हाई कोर्ट ने भी मलिक को जमानत देने से इनकार कर दिया। यानी कि फिलहाल नवाब मलिक की जेल से बाहर आने की उम्मीद ना के बराबर है और हो न हो अगली सुनवाई में भी कोर्ट हो सकता है कि नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए और बढ़ा दे। यानी कि नवाब मलिक की मुश्किलें अभी तो कम नहीं होने वाली। अब ईडी के अगले निशाने पर मलिक के बेटे फराज हैं, जिन्हें ईडी अधिकारी 2 बार समन जारी कर चुके हैं, 2 बार पूछताछ के लिए बुला चुके हैं, मगर फराज मलिक ईडी दफ्तर पहुंचे ही नहीं। ईडी ने 15 मार्च को दूसरी बार फराज मलिक को तलब किया, लेकिन फराज मलिक ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ये उन्हें भेजा गया दूसरा समन था और दोनों ही समन को फराज ने दरकिनार कर दिया और ईडी दफ्तर में नहीं पहुँचे। न्यूज एजेंसी ANI ने भी मुंबई ईडी की तरफ से इस बात की पुष्टि की है कि फराज मलिक को 15 मार्च को दूसरा समन भेजा गया था, मगर वो नहीं पहुंचे और अब तीसरा समन भेजा जाएगा और आगे का एक्शन लिया जाएगा। ANI ने इस बाबत एक ट्वीट भी किया है और उस ट्वीट के मुताबिक ईडी हेड समन महाराष्ट्र मिनिस्टर नवाब मलिक सन फराज मलिक ऑन मार्च 15, बट ही डिड नॉट अपियर बिफोर देम। दिस वॉज द सेकेंड समन। He will soon be sent a third summon. ED wants to question Faraz about the deals and payment regarding Goa Wala building in Kurla, Mumbai ED. तो अब ये क्लियर हो चुका है कि फराज ईडी के समन को बहुत हल्के में ले रहे हैं और ईडी अब जल्द ही उन्हें तीसरा समन भी भेजने वाली है। ईडी का मकसद सिर्फ इतना सा है कि फराज ईडी अधिकारियों के सवालों का जवाब दे और कुर्ला और गोवा वाला बिल्डिंग के सौदे और भुगतान के बारे में जो कुछ हुआ वो ईडी अधिकारियों को साफ साफ बताए। साथ ही साथ डी कनेक्शन के आरोपों पर भी ईडी अधिकारी फराज मलिक से पूछताछ करना चाहते हैं, मगर दोनों ही समन के बाद फराज ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे और फराज ने ईडी के समन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया।
अब न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक ईडी अधिकारियों ने तीसरा समन तैयार करवा लिया है और होली की छुट्टी के बाद फराज को तीसरा समन जारी कर दिया जाएगा। और अगर फराज तीसरे समन की भी अनदेखी करते हैं और ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो फराज को ईडी अधिकारी भगोड़ा भी घोषित कर सकते हैं। जी हाँ, फराज को ईडी अधिकारी भगोड़ा घोषित कर सकते हैं, क्योंकि कानून के नियमों के मुताबिक 3 बार लिखित नोटिस या समन मिलने के बाद भी आरोपी व्यक्ति नहीं पहुंचता है, सवालों का जवाब नहीं देता है तो जांच टीम को अधिकार होता है कि वो सख्त एक्शन भी ले सकती है। और ऐसे मामलों में देखा गया है कि अक्सर जांच एजेंसी आरोपी व्यक्ति को भगोड़ा घोषित करने का कोर्ट से आदेश ले लेती है। तो ईडी दफ्तर के सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक अब फराज को भगोड़ा घोषित किया जा सकता है, क्योंकि फराज के जरिए ईडी डी कनेक्शन और धन शोधन के मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहती है, मगर फराज बिल्कुल अपने पिता की तरह ईडी अधिकारियों को सपोर्ट ही नहीं कर रहे, जिससे मजबूरी में ईडी की टीम को ये कदम उठाना पड़ सकता है। अब तीसरे समन के बाद भी फराज ईडी दफ्तर नहीं पहुंचते हैं तो नवाब मलिक के लिए भी परेशानी बढ़ सकती है। ईडी कोर्ट में साबित कर देगी कि मलिक पिता पुत्र जानबूझकर ईडी के सवालों से बच रहे हैं, जानबूझकर कानूनी कार्रवाई में सहयोग नहीं कर रहे। फिर कोर्ट के आदेश के बाद फराज पर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। अब अगर मलिक पर लगे आरोप बेबुनियाद है तो फिर फराज मलिक ईडी दफ्तर में क्यों नहीं पेश हो रहे, ईडी अधिकारियों के सवालों से आखिर क्यों बच रहे हैं? अगर आरोप झूठे हैं और राजनीति बदले से लगाए गए हैं तो फराज को सामने आना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए, मगर यहाँ तो बिल्कुल उलट हो रहा है। फराज तो खुद ईडी अधिकारियों के आरोपों को और हवा दे रहे हैं और पुख्ता कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ईडी की टीम तीसरे समन के बाद क्या एक्शन लेती है, क्या तीसरे समन के बाद फराज मलिक ईडी अधिकारियों के सामने पेश होंगे, क्या उनके सवालों के जवाब देंगे या फिर एक बार फिर से ईडी के समन को वो अनदेखा कर देंगे। तो आपको क्या लगता है, फराज मलिक नवाब मलिक की मुश्किलें और बढ़ाएंगे या फिर खुद भी ईडी के जाल में फंस जाएंगे? आप भी फराज मलिक को लेकर कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो नवाब मलिक वो व्यक्ति है जिनका मुंबई में सिक्का चलता था, उनका एक ट्वीट भी खलबली मचा देता था। आर्यन खान के केस में कैसे मलिक ने समीर वानखेड़े को अपनी उंगलियों में नचाया था ये सब ने देखा, मगर अब खुद नवाब मलिक लोहे की चार दीवारी में कैद हैं, जेल में दिन रात काट रहे हैं। मलिक को पूरी उम्मीद थी कि कोर्ट उन्हें 15 मार्च को जमानत दे देगा और वो जेल से आजाद हो जाएंगे, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जी हाँ, डी गैंग के मुखिया के परिवार से जमीन खरीदने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद नवाब मलिक को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही बताते हुए उनकी उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने खुद को गिरफ्तार करने के तरीके पर सवाल उठाए थे, साथ ही साथ खुद की गिरफ्तारी को भी अवैध बताया था। हाई कोर्ट ने फैसले के दौरान कहा कि ईडी द्वारा पेश की गई दलील ये साबित करती है कि उनके पास मलिक को गिरफ्तार करने के पर्याप्त कारण है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हम जमानत नहीं दे सकते क्योंकि जांच एजेंसी के पास वो सभी वजह मौजूद हैं जो कि गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त है, और अगर वजह है तो गिरफ्तारी अवैध कैसे हो सकती है। कोर्ट ने मलिक की जमानत अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया और ईडी की गिरफ्तारी को जायज ठहराकर ईडी के केस को और मजबूती दे दी। अब इससे पहले मुंबई की PMLA कोर्ट ने भी नवाब मलिक की ये दलील ठुकरा दी थी कि उनके खिलाफ राजनीतिक वजहों से कार्रवाई की गई, यानी कि जमानत की अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं और माना जा रहा है कि अब मलिक के वकील जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। वहीं इधर मलिक की जमानत याचिका खारिज होते ही एक बार फिर से महाराष्ट्र की विधानसभा में नवाब मलिक का मुद्दा गर्मा गया। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ ही कई BJP विधायकों ने एक स्वर में मलिक के इस्तीफे की मांग को फिर से उठाया। फडणवीस ने कहा कि अब तो कोर्ट भी गिरफ्तारी को जायज ठहरा चुकी है तो ऐसे में मलिक को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए और पार्टी की सदस्यता से भी निलंबित कर देना चाहिए।